हेलो एवरी वन तो आज की जो मेरी वीडियो है वो किसी केयर के ऊपर नहीं है बल्कि मैं अपने गार्डन में जो चीज़ें मतलब ग्रो कर रही हैं उनके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट अपडेट देने के लिए वीडियो को बना रहा हूँ तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ है कॉलीफ्लावर तो मैंने इन कॉलीफ्लावर के जो सीड्स से इनको ग्रो किया था नाइन जुलाई को और आज नवंबर की एट है और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं इनका साइज़ कितना बड़ा है मेरे पूरे हाथ में ऐसे आ रहा है तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है बहुत बड़ा है और बाकी भी प्लांट्स में लगना स्टार्ट हो गई हैं गोभी मैंने सिक्स प्लांट्स मेरे ग्रो किए थे जिसमें से तीन में लग चुकी हैं एक इसमें एक इसमें एक इसमें इस वाली को मैं अभी हार्वेस्ट भी करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा और बाकियों में अभी गोभी नहीं लगी है वो अभी भी बढ़ रहे हैं क्योंकि स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा ये स्लो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है नेनुआ uh, मैंने नीनवे के प्लांट को भी सीड से लगाया था और मैंने इससे पहले कई बार नेनवे को हार्वेस्ट कर लिया है और अभी तक आप देख रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी नेनवे में ग्रोथ चल रही है ये देखिए फ्रेंड्स एक निनुआ इस तरफ ऊपर की तरफ लगा हुआ है यहाँ पर और एक इधर लगा हुआ है और फ्रेंड्स देखिए वहाँ दूर पर भी दो नेनुए कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं मेरे सेम के प्लान में भी फ्रेंड्स अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ जगह पे थोड़े बहुत सेमें लगना भी स्टार्ट हो गई हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा पाऊँ तो वो जो ऊपर टॉप पर देख रहे हैं वहाँ के पास ऊपर सेम लग गई है लेकिन मुझे लग रहा कि आप इस पर से उसको देखना मुश्किल होगा पर मैं आपको फ्लावरिंग ज़रूर दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ़्लावरिंग स्टार्ट हो गई है आना मतलब ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सेम लगी है इस जगह पे, तो सेम लगना भी स्टार्ट हो गई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सेम फ्रेंड्स क्योंकि मैंने इन सबको सीड से स्टार्ट किया था और फ्रेंड्स मैंने जो गेंदे की सीडलिंग की थी वो भी देखिए कितने अच्छे से निकल आई है और बाकी सब में जो आप देख रहे हैं कि जो इन बारे में जो पूरे बड़े खालिश में कुछ नहीं निकला है उसमें मैंने तीन साल पुराने डहेलिया के सीड्स लगाए थे और मुझे उम्मीद थी कि उसमें जर्मिनेशन शायद ना हो क्योंकि पुराने सीड्स होने पर उनका जर्मिनेशन ख़त्म हो जाता है तो जो मैंने गेंदे के नए से लगाए थे तो देखो कितने अच्छे से निकल आए हैं है। अब मैं इनको रिपोर्ट करूँगा मेरी भिंडी भी फ्रेंड्स देखिए अभी तक फल रही है मेरी जितने भी मैंने जो भिंडी के पेड़ लगाए थे उसमें अभी तक भिंडियाँ लग रही हैं और हम लोग उसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं पूरे प्लान में भिंडी लगी हुई है ऊपर मैंने एक भिंडी को सीड बनने के लिए छोड़ दिया था फिर जो फ्रेंड मैंने मूली के सीड्स लगाए थे वो भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं और वो भी अब बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे उम्मीद है मूली मेरी रेडी हो जाएगी मेरे बैगग्राउंड में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है एक फ्लावर ऑफ एनार्ट हैबिस्कस का भी प्लांट अपने आप निकल आया था और उसमें भी देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और ऊपर भी देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स खिले हुए हैं इसके एक उस साइड पे है फ्रेंड्स पीछे की तरफ मैं इसको भी आपको घुमा के दिखाता हूँ तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है मेरे गुड़हल में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं मैंने आपको दिखाया था कि ये मेरा नया मतलब वाल, कलर वाला गुड़हल था तो इसमें भी बहुत अच्छे देखिए फ्लावरिंग हो रही है और इसमें तीन फ्लायर्स हम खिले हुए हैं ये बहुत बड़ा सा प्लांट है तो फ्रेंड्स अब मैं इसको हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ और आपको भी हार्वेस्ट करते हुए इसको तो अब हम इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं देखिए इसका मेन जो स्टेम है नीचे का उससे मैं इसको काटूंगा तो एक हाथ से मुझे काटना है क्योंकि एक हाथ में मैं कैमरे को पकड़े हूँ और अब मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूँ ओके तो फ्रेंड्स क्योंकि मुझे काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी इसलिए मैंने आपको काटते हुए नहीं दिखा पाया लेकिन मैं काट के आपको इसको दिखा रहा हूँ तो देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है फ्रेंड्स और ये कितनी बड़ी साइज़ की है मेरे पूरे हाथ में आ रही है इसका पूरा साइज़ जो है बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड्स मैंने पहली बार कॉलीफ्लावर को हार्वेस्ट किया है वो भी सीट से ग्रो करके तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी छोटी सी हार्वेस्ट भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग